जो तुम कहोगे बाबा वो मैं करूँगा। जो तुम कहोगे बाबा वो मैं करूँगा, जैसे चलाओगे तुम वैसे चलूँगा, जैसे चलाओगे तुम वैसे चलूँगा, साथ निभाने का ओम शांति। दुनिया में कई प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन बाबा जो हमें कहते हैं, अगर बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। मतलब बाबा की नजरों में हमेशा हैं, लेकिन हमें करना क्या है? सच्ची दिल, जो भी हम कर्म करते हैं कर सच्ची नियत से, सच्चे दिल से हम करें और बाबा के श्रीमत पर चले, अवज्ञा ना करें, तो सचमुच बाप वो है जो भगवान है, ईश्वर है, उनके दिल पर हम चढ़ जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति बहुत ही बिजी रहता है अपनी लाइफ में और इतना काम करता है सुबह से शाम तक। एक बार रात को सोने से पहले उसने भगवान से बहुत सारे प्रश्न रख दिया, अर्ज रख दिया, इतनी बातें रख दी कि भगवान तुमने मेरी जिंदगी ऐसे क्यों बनाई, मेरी राहों में इतनी मुश्किलें क्यों लाई। इतनी बात करते 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 वो सो गया और जैसे ही सो जाता है आधा घंटे के बाद उसको एक स्वप्न आता है कि वो भगवान के दरबार में पहुंच गया है और भगवान के सामने खड़ा है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं उसको देख के। हमने 63 जन्म से इतने सारी बातें हमारे जीवन में हुई है और आज इस संगम में अंत में भगवान से मिल रहे हैं सचमुच, वो भी साकार में। लेकिन हम जन्म जन्म जितने भी दुख पाए हैं अपने ही कर्मों से, वो सारे दोष भगवान को देते हैं, दे चुके हैं या अभी दे रहे हैं, या अभी अपने कर्मों को समझ के हम कर्म कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सच्चे दिल रखो। दिल इतना अच्छा होना चाहिए कि समझे उस बात को जो परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। बाप की पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं उस पर अगर अटूट विश्वास होगा, अटूट विश्वास, तो हमारे जो देहवान, जो जन जन की कार्मिक अकाउंट है वो धीरे धीरे चुक्त होगा और देही अभिमानी हम बनते जाएंगे। लेकिन हम मन में कई प्रश्न बाबा से करते हैं, बाबा ऐसे क्यों हो रहा है, बाबा ये कर दो वो कर दो, रोना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से उस व्यक्ति ने कहा और सो गया और स्वप्न में देखा कि भगवान के सामने इतने सारे सवाल करने के बाद भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हमारे जन्म जन्म की कर्म की खाता इतनी सारी है, फिर भी बाबा हमें मुस्कुरा के पढ़ा रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, मेरा मीठा बच्चा, मेरा राजा बच्चा, मेरा दुलारा बच्चा, मेरा भाग्यवान बच्चा।
फिर भी उस सपने में उस व्यक्ति ने भगवान से शिकायत लगाई। भगवान, पहले की बात तो छोड़ो, लेकिन आज की बात मैं बताने आपको चाहता हूं। भगवान ने बोला, बोलो बेटा, चलो पिछली बात नहीं, आज की बात बता दो, क्या हुआ? तो उसने बोला, जब मैं सुबह जल्दी उठना था, मेरा जो अलार्म की घड़ी है वो अलार्म बजा ही नहीं, जिसके कारण मैं लेट उठा, और लेट उठने के कारण मेरे सारे काम इधर उधर हो गए, और जैसे ही इधर उधर हो गए तो मेरा ऑफिस जाना लेट हुआ। मैं भागते भागते जैसे अपने स्कूटर पकड़ा तो स्कूटर देखा तो पंचर हुआ पड़ा है। उसको जैसे तैसे ठीक करके एक घंटे में जब मैं ऑफिस निकला तो ऑफिस में जाने के बाद मैं बहुत सारे काम जो करना था वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें मुझे प्रमोशन मिलना था, जो भी होना था वो नहीं हो पाया, और मैं इतनी भूख लगी थी कि ये स्कूटर ठीक करने के चक्कर में घर से टिफिन लेना भूल गया, और टिफिन लेना भूल गया तो कैंटीन में खाना के लिए गया, तो वहाँ कैंटीन में इतना लेट हो गया था, कैंटीन बंद हो गया, तो बाहर की जो ठेला में खाना बेचते हैं उसमें से पाव भाजी खा के जीवन गुजारा आज के दिन। बोला, इतनी सी बात नहीं भगवान, और भी बात है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपने मेरी जीवन में कितनी मुश्किल आज लाई। आज मेरा बहुत अच्छा कॉल आने वाला था कि मेरा बिजनेस में इंप्रूवमेंट होने वाला था, लेकिन उसी समय मेरा फोन हैंग हो गया और बंद हो गया, जिसके कारण वो इंपॉर्टेंट कॉल में कैचअप नहीं कर पाया, जिसके कारण मेरा बिजनेस भी ठीक नहीं हुआ। फिर भगवान ने पूछा, हो गया? फिर जब घर में आया तो घर में आते ही कई काम करने पड़े और मैं थक चुका हूं, इतनी नींद आ रही है, और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने मेरी जिंदगी ऐसे क्यों बनाई? भगवान ने कहा, मैं तेरा पिता हूं और तू मेरा बच्चा है, तेरा अलार्म घड़ी की सेल खत्म हो गया था, तू अगर जल्दी उठता और वो स्कूटर जल्दी पकड़ के तू पहुंचता तो रास्ते में तेरा एक्सीडेंट होने वाला था, उसमें से अगर तू सोचता है तेरा जल्दी पहुंचना जरूरी था, मैं पिता होने के कारण तुझे बचाया। बाबा कहते हैं, ड्रामा में सब कुछ अच्छा हो रहा है, कि जो भी हो रहा है, जो भी घट रहा है, पल पल उसमें कल्याण है, और जब हम कल्याण समझते हैं तब हम दूसरों के कल्याण कर सकते हैं। इसलिए बार बार बाबा हमें अटेंशन देता है, सच्चे दिल से परमात्मा को धन्यवाद करें, थैंक यू दें। लेकिन हमारे मन के जो गुहार हैं, जो प्रश्न हैं, बार बार उठते हैं, जिस प्रकार से उस भाई ने भगवान से अर्चना रखी कि भाई ये बातें हुई, तो भगवान ने समझाया, मैं तुझे पल पल रक्षा की, तू अगर कैंटीन में खाना खाता तो फूड पॉइजन था, इसलिए कैंटीन बंद करवा दिया तेरा, फूड पॉइजन होता और तू बीमार पड़ता। दूसरी बात, जो तुमने कहा तेरा प्रमोशन होने वाला था, बिजनेस में बढ़ने वाला था, मैं बता दूं, वो जो कॉल आने वाला था तेरे पास, उसमें करोड़ों की घाटा होने वाला था, जिसमें तू सहन नहीं कर पाता और पता नहीं तू क्या करता, इसीलिए वो मोबाइल हैंग कर दिया ताकि तू सुख से रह सके। लेकिन नहीं, हम अपने मन के विचारों से अपने आप जो कर्म करते हैं वो भगवान के ऊपर या किसी और के ऊपर दोष देने की जो आदत पड़ी हुई है वो करते रहते हैं। कब बदलेंगे हम? पल पल में तेरा रक्षक किया, ना कि मैं तेरी जिंदगी को बिगाड़ा, ना तेरा दिन खराब किया, मैंने तो पल पल रक्षा किया। तो इतना कहते ही उस स्वर्ग लोक में जो व्यक्ति पहुंचा था उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। सचमुच जब हम आगे के नजारा देख नहीं पाते हैं
सामने वाला व्यक्ति हो या किसी भी परिस्थिति हो या भगवान हो, उसके पर हम दोष लगाते रहते हैं। इसलिए सोचें, समझें और जानें। बाबा ने जो आज मुरली में कहा, कल्याणकारी बनना है। ड्रामा में जो भी हो रहा है कल्याण है उसमें, और सच्चे दिल रखना है। सच्चे दिल वाले कभी भी किसी के प्रति बुरा सोच नहीं सकता। बाबा ने यह भी कहा, तुम गोप गोपियां हो, अर्थात गोप गोपियां जैसे कृष्ण भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाता था तो सुध बुध खो के कृष्ण के पास गोप गोपियां पहुंच जाते थे। बाबा की मुरली के ऊपर पूरा निश्चय हो, और बाबा की जो बातें हैं, एक एक शब्द हैं, अरबों खरबों से भी मूल्यवान हैं, अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं, निश्चय रखते हैं, तो हमारी बड़े बड़े दुर्घटनाएं जो हो रही है, हो रहा है, उन सब से हम में बाबा बचा लेगा। और बाबा ने यह भी कहा, अचानक सब कुछ होना है, लेकिन सच्चे दिल से अगर बाबा को हम थैंक्स करें कि धन्यवाद मेरे प्रभु, जो आपने दिया, जो मुझे सुनाया, जो मेरे जीवन बनाया, सचमुच अनोखा है, निराला है। अपने भाग्य का कदर करें खुद। चोट लगती है तो लगने दे, लेकिन मन के विचारों को हम बिगाड़े नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा है, महान दुख के समय चल रहा है और भी भयंकर रूप से आने वाली घड़ियां हैं। कहते हैं रक्त की नदियां बहनी है, कितना दुख होगा जरा सोच के देखें। जब घर घर में आतंक फैलेगा तो कोई किसी को बचाने के लिए अभी तो एक दूसरे को ख्याल रखते हैं, ध्यान देते हैं, और हम परमात्मा के बच्चे, अभी के समय में अगर हम देह भान को ना छोड़ें और देह अभिमानी ना बने, तो हम वो विनाश का नजारा देख नहीं पाएंगे। उससे पहले हमारे भाग्य नहीं बनेगा। समय आ चुका है हम किसी को भी दोष ना दें, क्योंकि जीवन निर्माण करने के लिए बाबा ने ज्ञान का खजाना, अपार भंडार हमको दे चुके हैं। हम वो फूल हैं, हमारे फूल की खुशबू से संसार महकने वाला है, हमारी चलन से दुनिया को हम फरिश्ते नजर आने वाले हैं, तो हमारी क्या चलन गंदी होनी चाहिए। परमात्मा के श्रीमत उल्लंघन कभी नहीं करना है। बाबा से रोज हम प्रॉमिस करें, बाबा आप जो कहते हो मुझे वो ही करना है। अगर कभी हम नहीं कर पाए, फिर भी हम दृढ़ प्रतिज्ञा लें, बाबा मुझे करना है। और अभी तो देखिए समय ऐसे आ चुका है, ना चाहते हुए करने के लिए सबको मजबूर होना पड़ रहा है, कर रहे हैं, चाहे अन्न कहो चाहे मन कहो। अन्न शुद्ध खाना ही होगा और मन को शुद्ध रखना ही होगा। और बुद्धि में जब अन्न और मन को शुद्ध रखेंगे तो बुद्धि में चिंतन हमारी खुशी के चलेंगे। उसके लिए अगर हमारे पास जो भी है, तन की शक्ति है तो तन की सेवा करें, और मन की शक्ति है तो मन की सेवा करने के लिए अभी सुनहरा मौका है। और धन की शक्ति, अभी भी वक्त है हम अपने धन को सफल करें। देखिए समय ऐसे आ चुका है, बाबा ने कहा है, किसी का धन लूट ले जाएंगे चोर, किसी का धन मिट्टी में मिल जाएगा, और किसी के धन तो यूं ही बेकार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जिसने कण कण को सफल किया, वो सचमुच अपने भाग्य को कई गुना बना सकता है। इन सब बातों के लिए बाबा ने बहुत अच्छी तरीके से हमें सावधानी दिलाई।
कि कुछ भी हो जाए हमें अंदर से बाहर से निर्मल मन भावन पावन जीवन बनाना है। सब कुछ जो भी घटनाएं घट रही है समझ लीजिए इसके अंदर कुछ रहस्य छुपा हुआ है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके हम मुरली पढ़ें। कम से कम अभी मौका मिला है रोज 5 बार मुरली पढ़ें, क्योंकि मुरली वो ज्ञान है, आगे चल के ये ज्ञान धन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सत्य में सबसे धनवान बनना चाहता है, या सोच लो 84 जन्म पूरा कल्प भर अभी के संगम युग पर जितना हम ज्ञान, ज्ञान माना क्या, परमात्मा के जो महावाक्य है जो मुरली है उसको हम जब बार बार सुनते हैं समझते हैं तो समझ लीजिए वो ज्ञान धन में कन्वर्ट होने वाला है, और कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वैसे सभी के पास बहुत कुछ है, लेकिन ये ज्ञान परमात्मा के ज्ञान जो मुरली बाबा हमें सुनाते हैं, और उस मुरली का इतना कदर करें दिल से। बाबा एक एक चीज को बड़े ध्यान से हमें सिखा रहे हैं अभी भी, क्योंकि आने वाले समय पर हमारी आंखों से, हमारी हाथों से, वरद हस्तों से और हमारे वाइब्रेशन से लोगों को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो अपने दुख भूल जाएंगे। वो तभी होगा जब बाबा ने जो कहा देही अभिमानी बनना है और पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए हम सभी बच्चों को बाबा की मुरली की जो शिक्षा है, जो बातें हैं, बहुत गहराई से सोचना है और उस बातों को अपने जीवन में इतना सुखदायी रूप से संजोना है कि उस बातों से हमारे जीवन आचरण बन जाए, चाल चलन बन जाए, और उस चलन से लोगों को सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी, और कितने भी घनघोर दुख हो उसमें से उबरने के लिए उनको लगेगा कि ये तो मेरे इष्ट देव हैं, मुझे सहारा देने वाले हैं। तो जितना हो सके ये देह भान को मिटाकर देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी जब हम बनेंगे हमारा मन उस रूहानियत की ओर चला जाएगा, जो हम रूह को संपूर्ण सृष्टि की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए 5 मिनट हम उस परमात्मा की किरणों को अपने अंदर समाएं और पूरे संसार को अपने संकल्प शक्ति से दुखी आत्माओं को सुखी बना दें, प्रकृति को सुखी बना दें, स्वत प्रधान बना दें, और आनंद भरे संकल्प से अपने आप को खुशनुमा बनाएं। चलिए कमेंट्री अभ्यास करते हैं। ओम शांति। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति से संपन्न, सुखदायी, खुशनुमा बन इस ब्राह्मण शरीर के नयन द्वारा दिव्य सर्च लाइट की किरणें सृष्टि के कोने कोने तक फैला रही हैं।
मैं आत्मा। इस देह से संपूर्ण अलग दिव्य पवित्र सितारा हूं। मुझ आत्मा का जन्म जन्म का जितने भी पाप है, मैल है, परमात्मा के किरणों से संपूर्ण रूप से मैं आत्मा मुक्त हो, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूं। मेरे मस्तक से, मेरे अंग अंग से चारों ओर दिव्य शक्ति की किरणें फैल रही है। सर्वशक्तिमान बाबा अपनी छत्र छाया में मुझे निरंतर दिव्य शक्तियों की किरणों से संपन्न बना रहे हैं। वाह मेरे भाग्य, वाह मेरा पाठ, वाह मेरे जीवन, वाह मेरे भगवान। शुक्रिया मेरे बाबा, आप सदा मेरे साथ हो। आपके साथ का एहसास मुझ आत्मा को चौबीसों घंटा हो रहा है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, परम पिता जो सुखों का सागर है, वो हम बच्चों को सुख से संपन्न बनाने के लिए, हमारा पिता, हम सबका भाग्य विधाता आया हुआ है। तो उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से पढ़ें, मुरली पर ध्यान देंगे और इस चीज का अभ्यास करेंगे कि संसार की आत्माओं को मैं सकास दे रहा हूं, मेरी आंखों से, मेरे मस्तक से, मेरे अंग अंग से ये धरती, ये प्रकृति शुद्ध और शांति सुख से संपन्न बनते जा रहे हैं। ये हमारा जीवन को श्रेष्ठ बना देगा, क्योंकि जितना हम अपने मन को संकल्प से परिपूर्ण रखेंगे, शुद्ध संकल्प से, उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को चेक करेंगे, कहीं बुद्धि भटक तो नहीं रही है, किसी चीज में डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, किसी एक व्यक्ति की मदद करने से भले पूरी दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन किसी एक की मदद करने से शायद उस एक की दुनिया तो बदल जाए। और हम तो पूरे विश्व की आत्माओं को मदद करने के लिए भगवान ने चुना है, सिलेक्टेड किया है। तो कुछ घंटे या दिन भर अगर पवित्र शक्तिशाली प्रकंपन हम फैलाते हैं, शांति की किरणें, तो उन आत्माओं के मन के जो दुसंकल्प है, जिसको विकारों की वाइब्रेशन कह सकते हैं, विकारों की वायरस कह सकते हैं, उन सबको हम मिटाएं। क्योंकि जैसे जैसे मानव
मनुष्य आत्माएं अपने संस्कारों को बदले, विकृतियां लाई, तो संसार में अनेक प्रकार की बीमारी फैली है। और जितना हम शुद्ध संकल्प की रचना हम खुद करेंगे और उनको करने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे अपने संकल्प से, और वो जब शुद्ध बनते जाएंगे तो संसार की वायरस जो भी हो या प्रकृति की जो तमो प्रधानता स्वतः ही मिटते जाएगी। और धीरे धीरे ऐसे चलते चलते वो जल्दी, धीरे धीरे नहीं कहेंगे, वो जल्दी सतयुग का नजारा हमारे सामने होगा और हम देवी देवता बन के सुखमय आनंद पाठ बजाएंगे। हर एक मनुष्य सुखकारी होगा, हर एक चेहरे पर मुस्कान होगी और सभी आनंदित होंगे। तो ऐसे ही पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति। सब कुछ हो सफल, ए तन मन धन, हर दम है लगी ऐसी ही लगन, छू लेंगे आसमां को कसम है दिल से, छू लेंगे आसमां को कसम है दिल से, तेरी रोशनी से जग को रोशन करूंगा, जो तुम कहोगे बाबा वो मैं करूंगा। किस्मत ये मेरी सबसे है हसीन, तदबीर जो मिली बड़ी दिलकशी, हसरत जगी जिगर में तुम साहे बनना, हसरत जगी जिगर में साहे बनना। जन्नत धरा पे अब तो मैं उतार लूंगा, जो तुम कहोगे बाबा वो मैं करूंगा। जैसे चलाओगे तुम वैसे चलूंगा, जैसे चलाओ से चलूंगा, साथ निभाने का वादा किया है, मैं भी तो वादा निभा के रहूं। सफर मेरे बाबा।